प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एन 124 से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ हम मौजूद हैं। जुलाई 2017 को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ने, उससे कबल दो मरतबा रहने वाले वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को नाहल किया था और उसके बाद एक और मरतबा वो तीसरी मरतबा नाहल हो गए और उसके बाद जो कुर्सी संभाली वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने संभाली। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मरी से लेकर भाटी गेट का सफर कैसे तय किया आपने? ये जमात ने तय किया जी, मैंने नहीं किया। अच्छा। तो 124 में क्या मोटिवेशन रखते हैं आप? 124 में इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ साहब का हल्का अपना घर है, उनका हल्का है, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाल्लाह एक तारीखी फतह यहाँ से मुस्लिम लीग नून फिर हासिल करेगी। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब से जो आपके कॉम्पोनेंट है, आपके साथ जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनसे अभी हमने मुलाकात की। उन्होंने आपके नाम एक पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह निजी अपने एयरलाइन को आपने बूस्ट किया, अगर पीआईए को भी इतना बूस्ट करते तो आपको इस मरतबा ज्यादा वोट मिलते NA 53 में। ये कौन कह रहे हैं जी? गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब। वो क्या है, आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता क्या। अच्छा, क्यों? क्यों आपके NA 124 में आपके मुखालिफ लड़ रहे हैं वो? मेरा पेट्रोलियम का वजीर था और मैंने जो काम किए पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह गैस का मसला उसको हल किया। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के प्लांट चल रहे हैं, तो मेरी जो जिम्मेवारी मैंने निभाई है। चौबीस में जो जिम्मेवारी है वो भी इंशाल्लाह संभाल। वो कहते हैं आपने अपने निजी एयरलाइन को फायदा दिया, आपने पीआईए को फायदा नहीं दिया। देखिए, मैंने कारोबार शुरू किया, 10 साल चलाया, जब वजीर बना छोड़ दिया। अच्छा। 5 साल हो गए दफ्तर में नहीं गया। चले, अब 124 के लिए आपके पर्सनल मोटिवेशन के मंशूर, आपका मंशूर क्या है जी? 124 के लिए आपके मंशूर क्या है? हमारा मंशूर इलाके की तरक्की है। कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से हम अपोजिशन में हैं, अपना किरदार अदा करेंगे, मुल्क में जो हुकूमत है उसकी खराबियों को निशानदेही करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 124 के मसाइल क्या है? 124 के जी, 124 के मसाइल क्या है? मसाइल जी, हर जगह जो दो बुनियादी मसाइल होते हैं, एक तालीम का, एक बुनियादी जो हेल्थ की फैसिलिटीज उनका होता है। अच्छा। उसके अलावा मुकामी सतह के मसाइल होते हैं, जो गलियों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल, बिजली के मसाइल, ये रहते हैं। ये MPS भी मौजूद हैं, यहाँ बलदियाती इदारे मौजूद हैं, हम सब मिलकर उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ, कहा यह जाता है जो मरकज में हुकूमत हो जिंदी इलेक्शन में उसको फायदा होता है, जीतती वही है, आप क्या कहते हैं जी? अगर मरकज में कोई हुकूमत हो, यहाँ तो हुकूमत ही कोई नहीं है। नहीं है, अच्छी हुकूमत नहीं कर रहे, नजर तो नहीं आती। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आप? आम से पूछ ले, महंगाई का सैलाब आया है। अच्छा, महंगाई का सैलाब आया है, आवाम होती तो ये सैलाब ना आता। पाकिस्तान की तारीख में 6 हफ्ते में कोई हुकूमत इतनी नाकाम नहीं हुई जितनी हुकूमत नाकाम हुई। अगर अगर, अगर आप लोग जिम्नी इलेक्शन जीत जाते हैं, आवाम को क्या फायदा होगा उसका? आवाम को ये फायदा होगा कि एक मजबूत आवाज़ पाकिस्तान की असम्बली में होगी जो इस हुकूमत को सही रास्ते पर चलाएगी। हुकूमत तो मौजूद है ना, हुकूमत चल नहीं रही, तो अब हमारा काम है उनको उनकी तसहीह करना, आवाम की रायों तक पहुँचाना, आवाम के मसाइल वहाँ पर पहुँचाना। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 31 साल का सियासी तजर्बा है, तो इंशाल्लाह भरपूर नुमाइंदगी हल्के की भी और पाकिस्तान के लिए भी करूँगा। शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है जिंदी इलेक्शन में, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? लोगों में बड़ा गम और गुस्सा है इस बारे में कि लीडर ऑफ अपोजिशन गिरफ्तार किया गया, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने 10 साल पंजाब की खिदमत की, पंजाब का नक्शा बदल दिया, तरक्की दी, आज पाबंद सरासल है और चोर डाकू जो है वो हुकूमत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपेन का जो आगाज हो चुका है, कैमरा मैन से गुजारिश करूंगे दिखाएंगे किस तरह की कैंपेन का जो है आगाज हुआ है। इस वक्त आवाम का हजूम यहाँ पे है, ढोल के डाले जा रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वालेहाना इस्तकबाल भी यहाँ पे किया गया है। शाहिद साहब, प्यार लोग बहुत कर रहे हैं, आप ये लग नहीं रहा कि आप मरी से आए हैं, लग रहा है कि आप अंदूर शहर के ही रहने वाले थे? मैंने कहा ये नवाज शरीफ का हल्का है, मुझे नवाज शरीफ साहब ने नामजद किया है, इन सब भाइयों की मेहरबानी है, मुझे कबूल किया है और इंशाल्लाह मैं 5 साल की खिदमत के लिए यही मौजूद रहूंगा। सर,
उसका जवाब कैसे देंगे, कैसे डेवलपमेंट के काम करेंगे, सबसे पहले क्या करवाएंगे? ये हम सब के साथ बैठ के मशवरा करेंगे। मेरे ख्याल सूबाई उम्मीदवार यहाँ असेंबली के मेंबर भी हैं, बलदियाती नुमाइंदे भी हैं, यहाँ सब मौजूद हैं, मिलकर काम करेंगे। चले अच्छा, अब आगे कैंपेन जो है वो किस तरह चलेगी और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी कैंपेन भी कितना असरअंदाज होगी? किसी जलसे हैं, एक आज है, कल है, बीच में हम कुछ और कैंपेन भी कर रहे हैं। शहबाज साहब हमारे साथ पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, उनके वर्कर सारे यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो। आप वजीरे पेट्रोलियम रहे हैं और पेट्रोल के प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही। अच्छा। तमाशा देख रही है। तो ये पेट्रोलियम की हाइक जो हुई है, कश्मीर पार्टी है। अच्छा। तो पेट्रोल के प्राइस जो ऊपर गए हैं, आवाम को क्या कहेंगे, ये हुकूमत की नाकामी है कि असल में प्राइस जो है ऊपर गए? देखिए, मैं आवाम को कहूंगा कि सब हेलीकॉप्टर ले लें। अच्छा। हेलीकॉप्टर में सफर करें, क्योंकि पेट्रोल जो है ये 100 रुपए से ऊपर 150 तक जाएगा इनकी हुकूमत में। हेलीकॉप्टर जो है 55 रुपए में चल रहा है। के पास जाना कैसे है तरीके इंसाफ का? वो कहते थे हम नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। ये उनसे पूछे, खुदकुशी कर लें, फिर खुदकुशी तो कर चुके हैं, अब आवाम को मजबूर कर रहे हैं खुदकुशी पे। अच्छा, एक पैगाम अपने ओपोनेंट्स के नाम दे दे, बस आखिरी सवाल जी? एक पैगाम अपने ओपोनेंट्स के नाम। देखिए, मैं अपना इलेक्शन लड़ता हूँ, हम अलहमदुल्ला उस जमात के साथ है जो पाकिस्तान को तरक्की दी है। मेरा ओपोनेंट उस जमात के साथ है जो पाकिस्तान को सिर्फ महंगाई दे रहा है और 6 हफ्ते में इतनी महंगाई कर दी है जो पाकिस्तान के पिछले 5 साल में नहीं हुई थी। बहुत शुक्रिया। आपको कौन वोट देगा मुझे आप बताएं? बहुत शुक्रिया। किसी से कोई वोट देगा? पीटीआई को पूछ ले। चले आप पूछते हैं, आपके लिए गुड लक है और बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपने अंदरून शहर के तमाम रंग जाने हैं, साथ ही साथ आपने गुलाम मोहियुद्दीन साहब जो कि एक चाट की दुकान पर बैठे और हमारे साथ चाट खाई, और आपने शाहिद हकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात की हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, और वो अंदरून शहर की गलियों में जिस तरह से हमारे साथ वॉक करते रहे और अपने हमारे सवालात के जवाब देते रहे, ये भी जाना। अब एतवार का रोज़ है और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने किसको वोट देना है। इन्हें 124 की जो किस्मत है आपने खुद बनानी है, तो कम आउट फॉर वोट, वोट डालने के लिए ज़रूर बाहर निकले। जिस तरह से टर्नआउट 25 जुलाई के रोज़ बहुत ज़्यादा रहा, आपने इसी तरह से टर्नआउट ज़िमनी इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने हैं। जो भी आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।